चलो कूलम लॉ का एक क्वेश्चन याद, Q1 की वैल्यू है 5, Q2 की वैल्यू क्या लेना 10 ले लेंगे, ओके, और डिस्टेंस है बिटवीन दिस टू चार्जेस ये भी 10 ले लेंगे, ओके, डिस्टेंस इज 10, तो चार्जेस के ऐसा यूनिट क्या है, कूलम्स, डिस्टेंस मिलीमीटर, मिली सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता हो, राइट। तो अब फोर्स का फॉर्मूला क्या है, फाइंड फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, सो वी आर यूजिंग कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ क्या है, कूलम्स लॉ स्टेट्स दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, वेरी गुड, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, वेयर 1/4πε0 इज अ कॉन्स्टेंट। और यहां पर एक चीज मेंशन कर रहा हूं क्वेश्चन में कि भाई ये जो मीडियम है ना वो वैक्यूम या एयर है, तो वैक्यूम या एयर अगर है तो अपनी 1/4πε0 की वैल्यू क्या हो जाती, 9×10⁻⁹, वेरी गुड। Q1 की वैल्यू क्या है, 5 कूलम, Q2 की 10 कूलम, भाई आर स्क्वायर यानी कि 10×10 फाइनल 45। अब ये एक्सपोनेंट्स एंड पावर में अगर पढ़े थे तो a पावर n बाई b पावर m इज इक्वल टू a पावर n माइनस m, ये 9 माइनस 1 हो जाएगा, ये तो 45×9-1 दैट विल बी 8। तो फोर्स की ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन, तो 45 अब इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो बोले, साइंटिफिक फॉर्म में लिखो बोले, साइंटिफिक फॉर्म क्या है, नंबर आना उसको पॉइंट आना, तो 4.5 लिखना पड़ता है, तो 4.5, तो अब ये पॉइंट जो है बाई 10 आ जाए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा 9 न्यूटन, F इज इक्वल टू 9 न्यूटन, इज दैट क्लियर।